फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके दोस्त जीत और आज हम सीखेंगे एक सुंदर सा गालीचा रंगोली। तो पहले ड्रॉ करते हैं। तो एक साइड में एक कपड़े के झालर दिखाना है। दिवाली स्पेशल है तो ऊपर एक दिया, उसके नीचे सुबह दीपावली लिखेंगे, नीचे एक फूल बनाएंगे ताकि जो लुक है वो अच्छा है। दिए के साइड में जो आकाश कंदील है वो बनाएंगे। और इसके साइड में थोड़ा सा इसमें मैंगो जो शेप का डिज़ाइन है वो मैंगो डिज़ाइन देंगे, बस सिंपल सा। इसमें सिर्फ कलर फिल करेंगे अच्छे से शेडेड शेड के साथ। तो यहाँ पर डार्क ब्लू और फिर पिंक और भी दोनों को छन्नी में मिला के ब्लेंड कर दी। जो आकाश दिया है या आकाश कंदील है उसमें रेड ग्रीन और स्काई कलर से फिल करेंगे। वो जो बड़ा जगह है वहाँ पर तीन कलर यूज़ करेंगे, डार्क ब्लू, फिर वायलेट और फिर पिंक। यहाँ पर थोड़ा सा पिंक ही दिख रहे कैमरे के लाइट में, पर एक्चुअली थोड़ा सा वायलेट है, ये पिंक है। तो पहले हम भर दिए तीनों कलर, भर दिए पिंक, वायलेट और डार्क ब्लू। अब जैसे पिंक और वायलेट को दोनों को 50-50% में छन्नी में लेके उसको ब्लेंड करना है, मिलाना है। फिर उसी प्रकार जो ब्लू और वायलेट है उसको भी छन्नी में 50-50 लेके मिला देना है। जो आकाश दिया है उसके नीचे आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, पर अलग अलग थोड़ा सा कलर थोड़ा उठ के दिखना चाहिए बैकग्राउंड के हिसाब से। फिर यहाँ पर जो एक डिज़ाइन बनाए तो यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, या जो लक्ष्मी माता के पैर बना सकते हैं और यहाँ पर आप गणपति भी बना सकते हैं सिंपल सा। और ये फनल के सहायता से लाइनिंग बनाएंगे। तो बड़ा जगह है इसलिए थोड़ा सा लाइनिंग बड़ा दिखना चाहिए करके हमने फनल यूज़ किए। नहीं तो छोटे जगह पे बना रहे तो आप फेविकोल बॉटल यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे छोड़ते जाना है फनेल से। चम्मच की सहायता से थोड़ा फूल का डिज़ाइन बना दिए, थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे आकाश दिया को। छोटा डॉट बनाना है तो फेविकोल के बॉटल यूज़ कीजिए, सबसे बेस्ट है। यहाँ पर मैं सिंपल सा स्वास्तिक बना देता हूँ। उसके बाद जो दिया है, दिया में ब्राउन कलर, ब्राउन कलर के बीच में थोड़ा सा जो हल्दी कलर है वो हल्दी कलर, ऊपर येलो, फेविकोल बॉटल से आउटलाइन, थोड़ा सा फूल के डिज़ाइन और यहाँ पर थोड़ा सा रेड। और इसके थोड़ा सा नीचे शेड देंगे ब्लैक से ताकि थोड़ा शेडो आए, इससे भी अच्छा दिखता है। उसके बाद शुभ दीपावली लिखेंगे या आप हैप्पी दिवाली लिख सकते हैं इंग्लिश में। आपके आप बड़े जगह में बनाना चाहते हैं और गालीचे बनाना चाहते हो तो ये डिज़ाइन बेस्ट है। नीचे यहाँ पर खाली जगह था, खाली जगह में यदि आपको फिल करना कोई चीज़ तो इस प्रकार के डिज़ाइन से फिल कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड में जो कलर था उसके हिसाब से यहाँ पर ग्रीन ही सेट हुआ इसलिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया। पर आप छन्नी से भी फिल कर सकते हैं या जो रंगोली फिलर उससे भी फिल कर सकते हैं। तो इसको जो फोल्ड दिखाना होता है वो थोड़ा डार्क दिखाना होता है, जो फोल्ड के पीछे के भाग, जैसे मैंने जो ग्रीन कलर दिए थे उसको मिलाने के लिए थोड़ा सा ग्रीन और लाइट ग्रीन को मिला के उसको ब्लेंड किए। और जो फनेल है फनेल के सहायता से आउटलाइन कर दिए।
इसमें भी आप थोड़ा सा अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, अलग अलग नीचे कुछ झालर जैसा, थोड़ा सा मोती जैसा डिज़ाइन के लिए कुछ डॉट दिए, ये भी अच्छे इफेक्ट आता है। और नीचे जो फूल बनाए उसमें येलो और ऑरेंज से शेड करना है। मेरे पास ऑरेंज येलो था, पहले येलो लिए, उसके बाद थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर और फिर ऑरेंज कलर। चलिए, ये एकदम येलो नहीं है, थोड़ा सा जो हल्दी कलर होता है वो हल्दी कलर है। आज अभी जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी आपको ये सब सारे कलर मिल जाएंगे मार्केट में। यदि आपके पास हल्दी कलर नहीं तो आप यहाँ पर येलो यूज़ कर सकते हैं। पत्ती में वही जैसा हमेशा बनाते हैं, पत्ती का शेड लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक से शेड, लाइट ग्रीन में थोड़ा सा येलो का शेड, और फिर दो साइड में दो कुछ लाइनिंग बनाना है। यहाँ के लाइन थोड़ा सा पतला चाहिए था, इसलिए हमने फेविकोल बॉटल यूज़ किए, और उसको इस प्रकार थोड़ा सा सफ़ेद से या कोई भी लाइट कलर से इस पर कुछ लाइन बनाना है ताकि थोड़ा शेड दिखे, और फिर थोड़ा सा वाटर ड्रॉप के कुछ डिज़ाइन। और ये जो डिज़ाइन है ये मार्केट में मिल जाएंगे आपको, जो ये पट्टा का जो डिब्बी आता है, चार पांच नली रहता है इसमें, तो ये सारे जो पत्ता का जो डिज़ाइन बनाते हैं इसके लिए ये आसान होता है। और फिर जो इससे हमारा मेन जो रंगोली वो बन गया, अभी साइड से आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये वाइट रंगोली से और जो संस्कार भारती का डिज़ाइन है उसको यूज़ किया मैंने यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा सुंदर सा दिवाली स्पेशल एक गालीचे रंगोली। तो ये गालीचे रंगोली आप सादा रंगोली से भी बना सकते हैं। मैं जो कलर यूज़ किया ये सारे मार्केट में अवेलेबल जो सादा रंगोली होता है वो सादा रंगोली है। ये जो कलर जो डार्कनेस दिखता है ये कैमरे की वजह से दिखता है, कि आपके पास जितना अच्छा कैमरा है आपका फोटो भी उतना डार्क दिखेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आने वाली दीपावली आपके जीवन में खुशियाँ लाए ढेरों सारे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसा ही सुंदर सुंदर रंगोली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।